अच्छा सर, सर इस वक्त हमारे साथ जनरल वी के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और ठीक उन्हीं के पास चलते हैं, सीधा बात करते हैं। सबसे पहले जनरल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा पर्व जो कि भारत में होने जा रहा है 19 तारीख से। आवाज आ रही है आपको? जी सर। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे जटिल और सबसे अच्छे तरीके से कंडक्ट करने वाला इलेक्शन है। जितने भी हमारे इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन 90 करोड़ के करीब मतदाता है, अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ है, जिस तरीके से काम होता है, अगर स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोला जाए, ये परफॉर्मेंस जो है 6 सिग्मा है, अल्टीमेट है पूरी पूरी दुनिया के अंदर। कठिन से कठिन जगह पर पहुंचते हैं सब तरीके से, और अब की बात मैं सुन रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भाषण को, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि अब की बार प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक प्रणाली को और अच्छे तरीके से मजबूती देने के लिए हर तरीके से इस इलेक्शन के लिए तैयारी की गई है। हमको बहुत बहुत बधाई देते हैं जनरल साहब। जंगें आपने खूब देखी हैं, लड़ी हैं, और वही हमने देखा है यहाँ पर एज गुड एज, या पीछे जो टनल ऑपरेशन से लेकर के आप सबको बचा करके ले करके आए, तो इस बार भी कोई टास्क जो है, जिसे जो कहते हैं कि जब अच्छा करता है छात्र तो उससे और ज़्यादा अच्छे नंबरों की उम्मीद की जाती है, शायद तवीले 370 और 400 पार। देखिए, एक लक्ष्य रखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कि एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार, तो कोशिश होगी पूरे तरीके से, हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। इन 10 वर्षों के अंदर बहुत कार्य किया गया है, बहुत जनता के भले के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जमीन पर आई हैं, और उनका फायदा लोगों को मिल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। तो होने वाले गाजियाबाद के सांसद से ही मैं बात कर रहा हूं सर। हाँ जी सर, दो तीन चीजें आई जैसे ये हम ये कहते हैं कैलेंडर सामने आया। एक, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने तो उसको ठीक भी कहा, उनका कि 7 की जगह 10 भी करवा देते तो कोई नहीं, सीसी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर माँ बाप होता है, अब सब कुछ उसी ने ही देखना है। लेकिन शशि थरूर सबसे पहले आए, उन्होंने एक क्रिटिक इसको लिया कि 7 फेज इज वे टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, क्रिटिसिज्म पहले आ गया। मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा और शशि थरूर जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पिछले इलेक्शन में नहीं थे क्या वो? वो भी 7 फेजेस का था, अब की बार भी 7 फेजेस का है। और इसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखी गई है, जो राजीव कुमार साहब ने बोली, कई जगह पर जब फेस्टिवल आता है तो लोगों का ध्यान फेस्टिवल की तरफ, मतदान कम होता है, उससे बचने के लिए उन्होंने इन फेस्टिवल्स का भी ध्यान रखा है, और इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम पिछले बार के मुकाबले में थोड़ा सा अधिक लग रहा है, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? आपको समय मिल रहा है, कोई आपका समय तो नहीं लिया जा रहा कि जी लंबा हो गया तो इसका मतलब हमको समय नहीं मिलेगा। मेरा अपना मत यह है, इतने कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज के लिए सब तरीके से कोशिश करने के बाद उन्होंने कार्यक्रम तय किया है, अच्छा कार्यक्रम बनाया है, अब हम सबको इनका साथ देना चाहिए ताकि ये मतदान अच्छे तरीके से और ये चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हो। और सर, रिपोर्ट कार्ड में लिखने के लिए जिसको देख करके जनता अपना मन बनाती, अब तक बना चुकी होगी, बहुत कुछ है, तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचा, पीएम
ने तो ये तक बता दिया कि महिला और युवा बेरोजगार ये जो है जाति जिन तक ये लाभ पहुंचना चाहिए। तो जब पीएम जैसा एक फेज दो बार से लगातार और वो पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है सर, क्या फिर उम्मीदें भी इतनी ज्यादा बढ़ती? आपका दोबारा रिपीट करेंगे आपका सवाल? मैंने कहा मोदी की गारंटी, वो जो योजनाओं को लेकर के आप जो जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में जो लिख रहे हैं, वो कितना बड़ा प्लस फैक्टर है इस बार? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो बहुत बड़ा एक बड़ी प्रेरणा है सबके लिए, और हर चीज के अंदर जो उन्होंने कहा है वो पूरी हुई है। तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि मोदी गारंटी 370 भी लाएगी, मोदी गारंटी 400 को पार भी करे। आप मतलब हर बार हुआ है सर, हमने देखा है, इस बार भी हमने देखा कि मोदी जी पर परिवार पर वार हुआ, आप सबने कह दिया कि मोदी मेरा परिवार। बिल्कुल, देखिए जब कोई ऐसी निकृष्ट तरह की टिप्पणी करे कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, हम सब उनके परिवार है भाई, पूरा देश उनका परिवार है, पूरे देश के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी टिप्पणियों का जो जिनका कोई मतलब नहीं है और आप करते हैं, तो पूरी जनता को जो आज मोदी जी के योजनाओं का, उनकी दूरदर्शिता का, उनकी सोच का फायदा उठा रही है, उनका पूरा परिवार है और उनका पूरा परिवार उनका साथ देगा। सर एक परिवार और भी है जो जनता जिनको सुन रही है, वो है इंडिया इंडी परिवार। देखिए परिवार तो सारा का सारा ही, और मानकर चलिए कि शायद जो लोग विपक्ष में भी बैठे हैं उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक हैं वो भी इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं तो उनको कहूंगा कि अपने खाने के थाली में छेद मत करिए, आप भी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिसने ये योजनाएं बनाई हैं जो आपको फायदा दे रहा है उसके लिए वोट करिए। मतलब बस लास्ट फेज में हूँ सर, एक दो चीज़ें जो है और पूछूंगा बस दो चार मिनट में। अब सर ये जो है जिस तरीके से आपने देखा कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया और कहा गया कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत बहुत जिसे कहते हैं वोकल तरीके से बताने की कोशिश की गई, जनता के बीच बताने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि क्या ये एक मुद्दा बनेगा? एक बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब कुछ है ही नहीं तो आप बेकार के अंदर चीजों को ढूंढते हैं, उसका क्या करोगे आप? आप भाई आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास कोई कार्य प्रणाली है, आपके पास जनता के लिए कुछ है, सामने आकर बोलिए ना। पूरे टाइम दोषारोपण करने से कार्य नहीं चलता। सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य सबने माथा टेका, क्या राजा और क्या रंक, सब उनके आगे झुक गए, लेकिन जिनको निमंत्रण भेजा भी गया था सर वो नहीं आए, लेकिन राम पर राजनीति अब भी होती रही। इसीलिए एक बड़ा प्रचलित हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम के पास नहीं गए उनका क्या होगा। लेकिन सर उसी वक्त एक बेला चल रही थी कि जैसे एक होड़ मची थी कि सनातन को जैसे गाली दे दी जाए, साउथ से नॉर्थ को लड़ाने की एक बात जो है कहीं पॉलिटिशियंस वाली बातें सामने आई कि नॉर्थ वर्सेस साउथ कर दिया जाए, जो पहले भी कई बार किया जाता रहा है ये डिवाइड। देखिए मेरा अपना मत है, देश एक है, देश का कोई अलग अलग हिस्सा नहीं है, हमारे अंदर विविधता है पर उस विविधता के अंदर एकता भी, हम किसी भी जगह जाएं हमको कुछ ना कुछ एक जैसा दिखाई देगा, चाहे भाषा हो, हालांकि भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका मूल एक है। आप मलयालम भाषा के अंदर एक किसी का भाषण सुनिए, अगर आप ध्यान लगाकर सुनेंगे आधी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको भाषा जानने की मलयालम पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बहुत से संस्कृत लफ्ज आ जाते हैं सर। ये तमिल के अंदर हाल है, थोड़ा सा
उच्चारण के अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन शब्द शब्दावली वही है, चीजें वही हैं। हम कहते हैं जी जो है इंचार्ज हमारा लोकसभा का जो है दारोमदार एक आदमी के ऊपर है, उसको वो तमिल के अंदर पुरपालक बोलते हैं। अब पुरपालक समझ में आता है? तो कोई तो फर्क नहीं है। जो लोग फर्क डालते हैं वो अपनी एक खुद की छवि को खराब करते हैं, फूट डालने का प्रयास करते हैं। मेरा अपना मानना है कि राजनीति लोगों को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि फूट डालने के लिए। जाहिर सी बात है, मुझे भी आपने बहुत अच्छा जो है प्रसंग बताया, जो सबसे पुरानी और सबसे जिसे कहते हैं रेफरेंस जिससे लिया जाता है और कोर्ट में भी लिया गया था, जो रामायण आती वो तमिल से आती सर, मतलब तमिलनाडु से आती, तमिल में लिखी गई। मैं तो कहूंगा कि इस चुनाव के अंदर सब लोग देश के बारे में सोचकर चलें, देश के लिए क्या अच्छा है वो सोचकर चलें, और जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने भाषण में बताया जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे कि इसमें लड़ाई झगड़े गाली की कोई जरूरत नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें जो आपको अच्छा लगता है, जो देश के लिए अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो सबके हित में है, उसके लिए मतदान करें। आजकल बड़ा एक चीज चल रही है, बस मेरा ये लास्ट है ये सवाल एक छोटा सा, वो ये जिसे YouTube पे कहिए, बाकी जगह कहिए, शॉर्ट्स में कहिए, डिजिटल पे बड़े मीम्स चल रहे हैं, वो एक ये चल रहा है कि छात्र पढ़ने बाहर गया हुआ है, दो मुल्क आमने सामने आए, लड़ाई हो गई यूक्रेन और रूस, लेकिन बीच में से जो है भरी बस गुजरती है तो वहाँ बच्चा फ़ोन करता है, उस तक फ़ोन की सुविधा भी है, बच्चा फ़ोन करता है कि मम्मी मम्मी मैं आ रहा हूँ, मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, हमारी बीच में चल रही है, और जनरल साहब जो है वो जनरल साहब का एक हाथ दिखाया हुआ है कि जनरल साहब जैसे उस बस को लेकर के आ रहे हैं, भाई अब तो सेफ पहुँच ही जाएंगे। देखिए यूक्रेन के अंदर बहुत चीजें हैं, अगर हम बहुत सारे बच्चों को जो बिल्कुल पूर्व के अंदर थे और ऐसी जगह पर थे जहां पर दोनों रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने थी, वहां यूनिवर्सिटी में से अगर ट्रेन के अंदर उनको ला सके तो इसलिए ला सके कि मोदी जी ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, और एक हमारे लिए एक खिड़की खोली जिसके अंदर ट्रेन को लाया जा सकता था, ये तो लाना मुश्किल था, बच्चे सेफ नहीं आ सकते थे। इसी तरीके से अगर दूसरे देश के नागरिक और दूसरे देश के जो वहाँ पे छात्र थे वो तिरंगा लेके निकले और उनको उसकी मदद मिले, तो उससे पता चलता है कि भारत के प्रति देश के अंदर और खासकर उन दो देशों के अंदर क्या भावना है। और ये एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो एक विश्वास कायम किया है, जो उन्होंने एक अपने जिस तरह से रिश्ते बनाए हैं और जिस तरीके से विश्व के नेता उनको देखते हैं, ये सब उसका परिणाम। 400 पार के साथ सर एक और शुभ अंक जुड़ गया, चार, ये मेरा अंतिम सवाल, 4 तारीख 400 पार? हाँ जी, 4 तारीख को, 4 को काउंटिंग होगी, 4 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के बहुत लिए, बहुत धन्यवाद इन रिएक्शंस के लिए, और जाहिर सी बात है हमेशा से आप लड़ते हैं और इस जंग को भी है बेहतरीन तरीके से लड़ने के लिए जो एग्जाम्पल देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब आपको ग्राउंड पर एक बार फिर से लिए चलते